जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्षेत्रीय को सुंदरबनी में जो प्रेस काउंसिल का यहाँ पे गठन हुआ, ये डिमांड आज की नहीं थी, ये डिमांड एक पब्लिक की तरफ से यहाँ पे आ रही थी कि सुंदरबनी में मीडिया तो काम कर ही रहा है, बट जो स्पेस जो फोक्स मीडिया का होता है, खासकर दबे कुचले लोगों के लिए, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन को भी मीडिया की हर समय जरूरत पड़ती है। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया में सभी मीडिया का, सभी मीडिया बंधु का, जो भी यहाँ पे 20 मेंबर थे यहाँ पे, उन्होंने मुझे इस काबल समझा कि एक चेयरमैन के पद पे मुझे विराजमान किया। सबसे पहले तो मैं उनको मुबारक दूंगा अपनी तरफ से, और जितनी भी सोसाइटी सुंदरबनी की या ऑल ओवर जिला राजौरी की या ऑल ओवर जम्मू कश्मीर की, उनको भी मैं ये मुबारक दूंगा कि सुंदरबनी का जो अच्छे से गठन यहाँ पे हुआ है। तो मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, जितने भी हमारे मीडिया के अहदेदार हैं वो सबने बारी बारी यहाँ पे आपको इसके इच्छिक्स के बारे में बताया, और एक बार मैं खासतौर पे सभी मीडिया बंधुओं को ये बताना चाहूंगा कि आपने इच्छिक्स को लेकर ही आप आगे बढ़े, और खासकर जो दबी कुचली आवाज है वहां से उठा करके आप सरकार के समक्ष उसको रखें। इसीलिए मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया है, लेकिन सबसे ज्यादा रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आपको आगे बढ़ना है और ये साबित भी करना है। एक बार लास्ट में मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी जनाब एडीसी सुंदरबनी से और डीसी रजौरी से, जहां पे जो फर्जी पत्रकार यहां पे सामने आए हुए हैं, कृपया आप उनकी छानबीन करें और मीडिया इच्छिस के अनुसार उनको दंडित किया जाए। को मीडिया की आड़ में जो यहां पर किसी को लुभाते हैं, और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, खासकर मैं रजौरी इंफॉर्मेशन से भी ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जनाब आप तो जानते ही हैं, लेकिन बट मीडिया काउंसिल की तरफ से आवाज ये आज निकली है कि जो भी यहाँ पे फर्जी पत्रकार हैं उनको वहां से उनको चेक किया जाए तो, और दंड भी दिया जाए। तो एक बार फिर मैं सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार कहूंगा। तो जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं अपने जितने भी मेरे इधर पत्रकार भाई हैं उनको मेरा नमस्कार। बाकी हमारी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका जो उद्देश्य है यहाँ पे, ये मेन है कि हमने एक गठन किया है सुंदरबनी में अपनी काउंसिल का। तो ये जब से हमारा जो मीडिया सुंदरबनी से चल रहा है, आज पहली बार ऐसा हुआ है सुंदरबनी के इतिहास में कि एक काउंसिल का जो यहाँ पे गठन हुआ है उसके बारे में मेरे साथियों ने बोला कि हमने ऐसे करके बाई इलेक्शन हमने सब कुछ किया, और ये सब इन्होंने पूरा डिटेल में बता दिया कि हमारा क्या क्या कार्य रहेगा, कैसे रहेगा। मैं सिर्फ दो लफ्ज़ों में बोलूँगा कि जो प्रेस काउंसिल सुंदरबनी है उसमें जितने भी मेंबर हैं उन सबका इस काउंसिल में नाम है, और जो बाहरी, जैसे मैं बाहरी बोलूँगा, जो ब्लैकमेलर टाइप पत्रकार हैं उनसे बचने के लिए कहूँगा, अगर किसी को कोई भी, कोई अवाम एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी प्रकार की पत्रकार बंधु की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी चीज़ ऐसी फेस करनी पड़ती है, वो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं एडवाइज़र हूँ मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो हम उस पर संज्ञान जल्द से जल्द लेंगे और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कॉपरेट करके चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो सर आप मेरे कहना